जय हिंद साथियों, राजक्लास में आप सबों का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाता है। साथियों, इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। आपको बहुत अच्छे प्रकार की साथियों कॉन्सेप्ट मिलने वाले इस वीडियोस में। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन को लिया है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जिससे इस तरह के जितने आपके गुणनखंड निकालने वाले प्रश्न होंगे आप चुटकियों में इससे आसानी से बना पाओगे। मेरे दोस्त, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4x + 1 है। इसके कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग समझेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है। इसके कॉन्सेप्ट को अगर जो समझ लेते हो तो गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट कहता है क्या है कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा कीजिए। फर्स्ट से लास्ट में जो अचर पद है यानी जो संख्यात्मक है, संख्या में है, उसको आप गुणा कीजिए। तो इसका फर्स्ट लास्ट वाला कितना है 1, और इसका फर्स्ट वाला कितना है तो 4। तो 1 से 4 में यानी x से 4 में गुणा करते हैं मेरे दोस्त, कितना आ जाता है तो 4 आ जाता है। अब कह रहा है इसका रूल, फर्स्ट रूल तो ये कह दिया, इसका रूल फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। इसका सेकंड रूल यानी कॉन्सेप्ट इसका कहते क्या है कि जो आप लोगों ने गुणा किया है उसको दो भाग में आपको तोड़नी है। इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के मिडल वाला टर्म के इक्वल में आ जाएगा, यानी जोड़ने पर, यानी उसको आप जोड़ दीजिए या घटाइए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको कितना लाना है तो 4x लाना है। इसको दो भाग में इस तरह से तोड़िएगा, क्योंकि जोड़ के घटा के 4 लाइए यानी 4 लाइए, और गुणा करने पर भी क्या होना चाहिए तो 4 होनी चाहिए। तो इसको हम लोग गुणनखंड यानी इसको अलग अलग करते हैं, कितना आता है 2 और 2। अगर जी इसको हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है तो 4 आता है। अगर जी इस दोनों को जोड़ते हैं 2x + 2x तो 4x हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमें प्लस में पूछ रहा है वैल्यू, तो दोनों को क्या चीज में लिखेंगे हम लोग दोस्त, तो प्लस में लिखेंगे। यहीं पे आपकी कॉन्सेप्ट, यही चीज कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो तो बहुत आसानी पूर्वक आपसे प्रश्न बन पाएंगे। 2x + 2x यहाँ पे आ गया है यानी 4x², और इसी को हमको लिखना है सजा के, कितना 2x फिर +2x, और लास्ट वाला जैसे है वैसे हमें लिख देना है। अब यहाँ पे, यहां तक तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग कॉमन। तो आप लोग पूछोगे कि सर कॉमन किसे कहते हैं, कॉमन किस तरीका से लिया जाता है। तो कॉमन सबसे छोटी संख्या को हम लोग लेते हैं। तो 4 और 2 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, और दोनों में x है तो 1x को बाहर करते हैं। अब इससे इसमें भाग कीजिए, कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर 2x पूरा को हम बाहर किए उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ये दो संख्या आ गया, 2x + 1 आ गया, और प्लस है तो प्लस लीजिए, और इसमें से कॉमन क्या होगा, इसमें से कॉमन यानी सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 को कॉमन लीजिए। यह क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि आपका जो गुणनखंड बनाया हुआ सही है या गलत है, उसको जांच करने, उसको पहचानने का तरीका क्या है। तो यह देखिएगा, ये 2x + 1 है तो इसका भी 2x + 1 आना चाहिए, तभी आपका जो बनाया गया गुणनखंड है से सही है, अन्यथा जो आप बना रहे हैं से गलत है, अगर से नहीं मिलता है तो, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां तक तो आप लोगों ने समझ गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके आगे करने के हैं, तो जो प्लस या माइनस यहाँ पर रहेगा इसके दोनों साइड इक्वल है तो उसको एक बार लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2x + 1 को हम लिख लिए, और फिर इधर का बच गया कितना 2x, और फिर ये बच गया कितना +1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, क्या है x² + 6x + 8 है। अब इसकी कॉन्सेप्ट वही समझना है, फर्स्ट से लास्ट में यानी फर्स्ट में अगर जो कोई भी आपका लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है या 2x² लिखा हुआ है, तो इसके पहले संख्या पूछेगा इसका गुणांक, तो कितना कह दिया गुणांक 2 कहिएगा। अगर जो इसके पहले कोई संख्या नहीं रहता है तो उसको हम लोग कितना लेते हैं तो 1 लेते हैं, ठीक है 1 ले लिए, और लास्ट में कितना है 8 है, तो 1 से 8 में गुणा हम लोग दोस्त कर लिए, तो मेरे दोस्त आ गया कितना तो 8 आ गया 1 से 8 में गुणा करने पर। यहां तक समझ गए होंगे। अब इसी को दो भाग में हमको तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें 8 आएगा, पहला रूल इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। सेकंड का रहा है इसी को दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर आपको 8 आना चाहिए, जोड़ के और घटा कर कितना लाइए आप तो 6 लाइए। इसको अगर हम करते हैं तो कितना लिख सकते हैं 4 और 2, तो 4 × 8 हो जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स में कह रहा है तो हम लोग एक्स इसमें लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक बार, अगर जे प्लस में कह रहा है तो दोनों को प्लस में लिखेंगे, अगर जो माइनस में खाता तो हम लोग दोनों को माइनस में लिखते हैं, यानी 4x + 2x आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज को भी लिख सकते हैं, पहले आप 2x लिखे या पहले 4x लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कितना, तो 2x लिख लेते हैं, बाद में हम लोग लिख लिए 4x,
फिर लास्ट वाला कितना है, आठ है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉमन वाली बात आ गई, तो यहां पे सबसे छोटी संख्या को कॉमन लेते हैं, तो सबसे छोटी संख्या दोनों में x है, तो x को बाहर करते हैं, इसका एक बाहर कर लिए x, तो ए वो x बच गया, इसका x तो हम लोग बाहर कर ले, इसका बच गया सिर्फ कितना, तो इसका टू बच गया। अब यहां देखिएगा, चार और आठ में सबसे छोटी संख्या कितना है, तो चार है, तो चार को बाहर किए तो इसका एक्स हो गया, और चार से आठ में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब यहां पे समझेंगे, इसका एक्स प्लस दो दोनों में इक्वल है, तो आप जो गुणनखंड बना रहे हैं एकदम 100% सही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक बार लिख सकते हैं एक्स प्लस दो लिख सकते हैं, फिर एक बार लिख सकते हैं एक्स प्लस कितना, तो एक्स प्लस चार लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स फिर प्लस कितना है, तो बारह है। अब इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले तो मेरे दोस्त, इसका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कहता है कि आप फर्स्ट से लास्ट में गुना कर लीजिए, प्रथम से अंतिम में गुना कीजिए, तो प्रथम से अंतिम में गुना करते हैं तो कितना होता है, एक से बारह में हम लोग गुना करते हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आ जाता है क्या, तो बारह आता है। यहां तक समझ लिया। अब कह रहा है इसको दो भाग में आप तोड़िए कि गुना करने पर बारह आएगा, जोड़ के घटा के हमको सात लानी है मेरे दोस्त, तो सात लाना है, तो चार तिया के बारह और चार और तीन को सात। अगर जो माइनस में कह रहा है तो दोनों संख्या किस चीज में हम लोग लिख लिए, तो माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, आप पहले चार एक्स को लिखे या बाद में तीन एक्स को लिखे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। पहले हम लोग चार एक्स को लिखते हैं, चार एक्स फिर माइनस में कितना, तीन एक्स फिर कितना हो जाएगा, तो बारह हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, तो कॉमन लेना है, इस दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, एक्स है, एक्स दोनों में है, एक्स को बाहर लेंगे, इसमें दो एक्स था, एक एक्स को बाहर ले लिए, एक एक्स बच गया, इसमें था एक्स को बाहर ले लिए, बच गया क्या इसका, तो चार बच गया। अब समझेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे माइनस है तो बाहर हम लोग क्या लिए, माइनस लिए। अब इस दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो तीन है छोटी संख्या। अब मेरे दोस्त, बाहर अगर जो माइनस लिए हैं तो भीतर वाला जो चिन्ह, जो संख्या लिखेंगे उसका चिन्ह उल्टा करके लिखेंगे, इसका तीन, तीन को बाहर ले लिया, इसमें का बच गया एक्स। अब देखिएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्या चीज में, तो माइनस में। तीन से बारह यानी बारह में तीन को हटा लिए, यानी गुना भाग कर लिए, तीन से बारह में भाग की जाएगा तो क्या होगा, तो चार आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त समझेंगे, एक्स प्लस चार इसमें भी है, एक्स प्लस चार इसमें भी है, जय हो यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या लिख देंगे, एक्स माइनस चार फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस तीन। यही चीज तो आपको समझनी है, ये दोनों चीज अगर इक्वल आ गए तो आपको पूरा 100% सही मेरे दोस्त। और लास्ट इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार क्या है समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस क्या है, तो माइनस में बीस है। इसको समझिएगा आप लोग, तो वही करना है रूल, फर्स्ट की फर्स्ट से लास्ट में हमें गुणा करनी है, जो पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त। तो फर्स्ट से लास्ट में आ रहा है तो बीस ही आ रहा है गुणा करने पर, और बीस को दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर बीस आना चाहिए, जोड़ के घटा के आपको कितना आना चाहिए, तो आठ आना चाहिए। तो दस गुना के बीस होता है मेरे दोस्त, दस में से दो अगर घटाती हो तो क्या आ जाएगा, तो आठ आ जाएगा। तो वही चीज को आपको लिखना है, यानी आठ आना, इसको दो को माइनस में लिखेंगे, दस को प्लस में लिखेंगे। तो पहले आप दो एक्स को लिख, दस एक्स को हम लोग लिखिए माइनस में दो एक्स, फिर माइनस में क्या हो गया, तो बीस हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन सबसे छोटी संख्या मेरे दोस्त एक्स आता है, इसमें दो को एक से एक को बाहर कर लिएगा तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस हम लोग लिखे हैं तो इसके जो बाद में हम लिखेंगे सबका साइन उल्टा करके मेरे दोस्त यहाँ पे लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो दो को कॉमन ले लिए, दो इसमें हटा लिए तो बच गया एक्स। अब बीस से यहाँ ए हो जाएगा प्लस, दो से बीस में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दस हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, एक्स प्लस दस, एक्स प्लस दस आपको पूरी अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ रही होंगे, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। क्या हो जाएगा, तो हम एक बार लिख सकते हैं एक्स प्लस दस, फिर लिख सकते हैं एक्स माइनस दो, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ये चीज आपको पूरी अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके मेरे दोस्त। ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में चैट कर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।